गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं आपका अपना कन्हैया, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नए वाटर पार्क के व्लॉग में। तो नहीं कहूंगा, लेकिन पार्क के व्लॉग में जरूर कह सकूंगा मैं आपसे। देखिए, मैं आया हूं इस वक्त ना न्यू मुंबई के नेरुल में वंडर पार्क में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहां पर एक साल में ना जाने कई बार आ चुका हूं। सीरियसली, इस व्लॉग को बनाने के लिए जितना परेशान मैं हुआ हूं, उससे ज़्यादा परेशान मैं आज तक कभी किसी भी व्लॉग को बनाने में नहीं हुआ रहूँगा। जी हाँ, 3 साल से ये पार्क जो था वंडर पार्क नेरुल का बंद चल रहा था, जब से कोविड चालू हुआ था। फाइनली 29 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों, और फिर उसके बाद 1 या 2 तारीख से जो है ये पार्क जो है ऑफिशियली जो है चालू हो चुका है। फिलहाल आज तारीख 2, कल जो है चालू था, आज मैं 2nd डे आया हूँ यहाँ पर। और मैं आपको बता दूँ, पूरे 1-1.5 साल में ना जाने कई बार मैं यहाँ से आकर वापस जा चुका हूँ। ये बात सुन सुन के थक चुका था मैं कि वंडर पार्क जो है वो बंद है, वंडर पार्क जो है वो बंद है। लेकिन आज फाइनली वंडर पार्क जो है वो वर्किंग मोड में, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ वंडर पार्क की टिकट प्राइसिंग क्या होगी, अंदर राइड्स कैसे होंगे, क्या अपडेट हुआ है और कैसा अंदर का नज़ारा होगा। टोटली ओवरऑल मैं आपको लीगल रिव्यू देने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ, 28 करोड़ की लागत से ये वंडर पार्क जो है वो बनाया गया है। तो 28 करोड़ की लागत में क्या क्या बनाया और कैसा बनाया, ये हम चल रहे हैं अंदर देखने के लिए। तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, अगर मुझे पहली बार आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना। मैं आपके लिए यूँ ही ढेर सारे अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो लेकर आता रहता हूँ। धूप बहुत है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है मैंने इस ब्लॉग के लिए, तो प्लीज़ जाते आते 1 लाइक ज़रूर करना। चलिए चलते हैं पार्क के अंदर। तो पार्क के अंदर की जाने की गर्दी देख रहे हो, लाइन मजबूत अभी से लग चुकी है और एंट्री जो है वहाँ से होगी, और अपना क्या नाम है, टिकट जो है वहाँ से मिलेंगे सामने से यहाँ पर, और लाइन वगैरह जो है ऑलरेडी लग चुकी है। सो फिलहाल लाइन जो है वो लग चुकी है और काफ़ी बड़ी लाइन है। आज 2nd डे है पार्क का, तो चलते हैं लाइन में लगते हैं और देखते हैं टिकट प्राइस क्या है। ऑलरेडी वहाँ पर लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर टिकट प्राइस जो है वो क्या है। चलिए, राइड की किधर मिलेगी इधर। सो फिलहाल टिकट जो है वो मैंने ले लिया है। तो अगर टिकट की बात करूँ तो टिकट हमें पड़ी है एंट्री इसकी 35 रुपीज़ की पर, मतलब एडल्ट की। सो फिलहाल चलते हैं अंदर और टिकट जो है वो ले लिया है और यहाँ पर दिखा देते हैं टिकट्स काट लिए। और यहाँ से कुछ ऐसा इंटरफेरेंस है, आप देख सकते हो अंदर जाने के लिए। ठीक है, अंदर एंट्री करते ही आपको बहुत सारे ढेर सारे अच्छे अच्छे जो स्टैचूज वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ सामने जो है ना, शाम को ये होता है अपना फाउंटेन शो होता है, तो आपको मैं दिखाऊंगा शाम को फाउंटेन शो कैसा लगता है। तो देखिए, वहाँ सामने से हमने जो है वो एंट्री की और यहाँ से सारे राइड्स वहाँ पे हैं। और अगर लेफ्ट साइड देखो तो वहाँ पर जो है ना फूड कोर्ट बनाया गया है। तो फिलहाल चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ना ट्रेन राइड है जिसकी टिकट है 25 रुपीज़। ये ट्रेन आपको पूरा एक राउंड जो है वो पार्क का दिखाती है, इसके अंदर आप अपने पेरेंट्स और बच्चों के साथ में बैठ सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है पार्क के अंदर आने से पहले, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये छोटा सा फाउंटेन जो बनाया है जो बहुत ही प्यारा दिख रहा है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ। और कुछ छोटे छोटे पक्षी हैं जो पानी वगैरह पी रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। अब ये शाम को जब फाउंटेन चालू होगा ना, तब मज़ा आएगा वहाँ बैठ के देखने में। कल चलते हैं वहाँ पर, सारी राइड्स है वहाँ पर, राइड्स के पास चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी राइड है और कैसी है। और ये वही ट्रैक है जिस पे जो अभी हमने ट्रेन देखी ना, ये इसी पे से जाती है और वहाँ से ऐसे पूरा गार्डन जो है वो घुमाती है। फिलहाल उसका स्टेशन जो है वो सामने है और आप ये देख सकते हो ट्रैक कुछ इस तरह से। मतलब टोटल ओवरऑल अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहे हो तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट करने वाले हैं और मतलब मज़ा ही मज़ा हो गया, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फिलहाल ये एंट्री कर चुका हूँ मैं, यहाँ पर मुझे 7 वंडर्स जो है वो भी देखने के लिए मिल रहे हैं और सारे राइड जो है वो काफ़ी ऊंचा राइड है, वो जो दिख रहा है ऊपर वो काफ़ी ऊंचा है। सीरियसली वो राइड करने का मज़े अपना अलग होगा, लेकिन मैं गोप्रो जो है वो लेके आया नहीं, लेकिन चलो मैं आपको ऐसे ही दिखा दूंगा यूजली। और ये अंदर का इंटरफेरेंस आप देख सकते हो, मतलब कैसा दिखा रहा है, देखो पूरा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी नेरुल के किसी इलाके में, ऐसा लग रहा है कि कहीं भाई बाहर आ गए। इससे पहले हमने जो है बनाया था वर्धमान फैंटेसी का जो मीरा रोड में है, और मीरा रोड की पब्लिक को थैंक यू सो मच, बहुत ढेर सारा प्यार दिया आपने। और फिलहाल अब मीरा रोड के बाद नेरुल में वंडर पार्क जो है वो खुल चुका है, देखिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 7 वंडर्स जो है वो बने। सो एज यूजल हमेशा की तरह, अब नाम तो वहाँ पर लिखा ही हुआ है, लेकिन फिर भी आप कमेंट करके मुझे बताना कि ये वंडर पार्क आपको कैसा लग रहा है, मतलब ये फर्स्ट वंडर मैं आपको दिखाने आ रहा हूँ, कैसा है, क्या नाम है और क्या आप इसके बारे में जानते हो। बच्चों के लिए होमवर्क है, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। आइए दिखाता हूँ, फर्स्ट वंडर से शुरू करते हैं 7 वंडर तक का पूरा। तो ये रहा हमारा पहला वंडर। मीरा रोड में हम जो गए थे वहाँ पर थोड़े वंडर्स जो थे वो बड़े बड़े थे, लेकिन चलो यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा बनाया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट वंडर है, आप देख सकते हो। तो 2nd वंडर हमारे यहाँ पर है, आप देख सकते हो, और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी
ये इस मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया गया है और बहुत ही रियलिस्टिक लग रही है देख के। ये हमारा थर्ड वंडर और सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है। मीरा रोड में हमने देखा था, ये बहुत ही बड़ा था। अगर आपने मीरा रोड वाला व्लॉग नहीं देखा होगा, वर्धमान फैंटेसी वाला, वो भी आप देख सकते हो। तो ये जो चीज़ थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी, मतलब रियल जितनी बड़ी है उतनी बड़ी मेरे ख्याल से वहाँ पर मीरा रोड में भी बनाया गया है। देखिए कि सर, सो हमारा फोर्थ वंडर जो है वो यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए। और फोर्थ वंडर जो है हमारे यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, सीरियसली रियली भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और ये रहा हमारा फिफ्थ वंडर, और फिफ्थ वंडर जो है यहाँ पर प्यारा सा बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा एक और वंडर जो कि जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो, और ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा सेवेंथ वंडर जो है वो यहाँ पर ही देखिए, ताजमहल कितना खूबसूरत सा। तो मैंने अभी ना बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो वंडर्स के ऊपर ना पैर रख रहे हैं या उसके ऊपर चढ़े आ रहे हैं, चढ़ने के बाद उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा यार, अगर आप आ रहे हो ना, इतनी क्लीन जगह है, इतना सब कुछ क्लीन है, आप मेंटेन करने की कोशिश कीजिए कि आपके वैसे कोई चीज़ जो है वो डैमेज ना हो और कोई चीज़ ख़राब ना हो। यार बहुत बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, चाहे वो हमारा हो या गवर्नमेंट का हो, वैसे तो हमारे टैक्स के से ही बनता है। बट प्लीज़ मैं यही कहूँगा, आप जो है यहाँ पर आ रहे हो तो प्लीज़ एक साफ़ सुथरा मेंटेन करने की कोशिश करें। किसी भी वंडर्स को या किसी भी चीज़ को, पेड़ पौधों को प्लीज़ डैमेज करने की कोशिश ना करें। उम्मीद करूँगा आप समझोगे, और आप होशियार हो, आप ज़रूर समझोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये भी एक राइड है जिसकी टिकट आई थिंक सो अलग से ही मिलती है, और ये सारी टिकटें जो है ना वो आपको पार्क के अंदर मिलेंगी, ना कि एंट्री गेट पर। तो आप यहाँ पर जब पार्क के अंदर आओगे तो आप इसकी टिकट जो है वो ले सकते हो, और पर राइड जो है वो 25 रुपीज़ है, आप जानते हो। तो यहाँ पर है ना आराम से बैठने की जगह बनाई गई है, पेरेंट्स और बच्चे जो है यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। गार्डन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत है, तो मतलब एक अच्छी वाइब्स आने वाली है अगर आप यहाँ पर आराम से बैठोगे, और अगर आपके बच्चे या आपके पेरेंट्स में फैमिली मेम्बर को अगर राइड्स वगैरह में जा रहे हो। तो आगे चलते हैं, कुछ राइड्स हैं वहाँ पर वो देखते हैं। और ये भी एक राइड है, इस हर राइड की जो है ना वो अलग अलग यहाँ पर फ़ी है, उसकी एंट्री फ़ी है, बैठने के राइड के पैसे लगते हैं। तो हर राइड के 25-25 रुपए आई थिंक सो। और ये धीरे धीरे ना ऊपर जाके फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे आता है, देखिए। तो अब ये नीचे आ रहा है और इन सब लोग को उतारेगा, फिर ये सेकंड जो कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं वो ऊपर चढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा सा पूरा राउंड जो है मार लिया, अब हम सेकेंड फेज़ में चलते हैं। यहाँ से कुछ और चालू हो रहा है, यहाँ पर कुछ और बच्चों के खेलने जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और काफ़ी यूनिक है, काफ़ी मस्त है। मतलब मुझे देख के ऐसा लग रहा है यार, चलो मैं खेलना शुरू कर दूँ। और काफ़ी क्लीन है, अच्छा लग रहा है देख के। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ बनाया गया है, और यार ये जो है ना ये पहले ऐसा होता था, मतलब पत्थर का होता था, लेकिन ये काफ़ी नरम है देखो। तो ये पूरी तरह से छोटे बच्चों का सेक्शन बनाया गया है, यहाँ पर आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और उनके साथ आप भी अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। उतर जाना है या फिर इसी पर से क्लाइम करके उतरना होगा, इतना मुझे आइडिया नहीं, बच्चे जो है उन्हें बराबर पता होता है। तो यहाँ पर ना मेले में हम जब जाया करते थे तो वहाँ पर एक बहुत बढ़िया हमने देखी थी, एक स्नेक वाली, लेकिन ये स्नेक नहीं, मुझे लग रहा है एक कोई छोटा सा कीड़ा होता है ना जो राउंड 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 ऐसा होता है, तो वैसा कुछ ये बनाया गया है। लोग ने कुछ बनाया है उसके ऊपर बैठ के, मतलब ये चारों तरफ ऐसा घूमेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जब ये घूमेगा, तो देखिए। और उसकी लाइन जो है यहाँ से लगी है, टिकट जो है ख़रीदेंगे वहाँ से, फिर यहाँ के लाइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे ऊपर जाके चढ़ के 2 राउंड या 3 राउंड जो भी मरवाएँ वो, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर होता है। और आई डोंट नो ये क्या है, यहाँ पर ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है देखिए। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर राइड्स और मतलब प्लेग्राउंड के अलावा यहाँ पर पेड़ जो लगाए गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब देखने से बनते हैं भाई। एक एक ऐसे से पेड़ हैं, ट्रीज़ हैं, जिनके ऊपर इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, और बहुत अच्छे अच्छे, मतलब उसका यूनिक अंदाज़ ही अलग है। आइए मैं आपको कुछ ट्रीज़ वगैरह दिखाता हूँ जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और ये वाले पेड़ देखिए कितने बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनका शेप ही अलग से दिया हुआ है कि आप इसको देखोगे ना तो आपको खुद ऐसा लगेगा वाह क्या पेड़ है। तो ये वाली एक राइड है जिसमें पेरेंट्स और बच्चे आई थिंक सो दोनों जा सकते हैं, और ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये भी धीरे धीरे धीरे, जैसे हमने वहाँ देखा था ना ऊपर से नीचे आ रहा था लेके, तो बहुत ज़्यादा ऊंचा था, ये बच्चों के लिए है, इसकी हाइट छोटी है, और ये कुछ गोल 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 इस तरह से घूम रहा है, मज़ा आने वाला है। बच्चों के तो बल्ले बल्ले भाई साहब, जो बच्चे यहाँ पे आएंगे ना उनको तो मतलब फुल इंजॉयमेंट मिलने वाला है। देख रहे हो ये वाली राइड बच्चों की, खतरनाक है भाई साहब, मज़ेदार है। मतलब एक राउंड इनका हो चुका है, ये सेकेंड राउंड है इनका, ये उनको वहाँ से ऊपर ले जाकर डायरेक्ट नीचे लेकर आता है, मतलब छोटा है
लेकिन फुल एकदम एंजॉयमेंट देने वाला है। ये देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप कार पार्किंग करना चाहते हो ना तो कार की जो है 50 रुपीज़ है, और अगर आप बाइक पार्किंग करना चाहते हो तो 10 रुपीज़ है, और अगर यहाँ पर आप बच्चों के साथ में आ रहे हैं तो बच्चों की टिकट प्राइस जो मैं आपको बता दूँ वो है 25 रुपये। जी हाँ, 3 साल के ऊपर का बच्चा होगा 12 साल तक तो उसकी होगी 25 रुपये, और अगर बड़ा है यानी हम जैसे लोग हैं तो 35 रुपीज़ एंट्री फी की बात कर रहा हूँ मैं ये। लेकिन यहाँ पर राइड जो है वो सारे ही अलग अलग हैं, पर राइड जो है वो 25 रुपीज़ से चालू होते हैं। तो जितने भी आप यहाँ पर राइड देख रहे हो, हर एक राइड पर अगर आपको बैठना है या फिर अपने बच्चों को बैठाना चाहते हो तो 25 रुपये जो है वो आपको पे करने पड़ जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ ऑलरेडी, मैं एक वाटर पार्क का व्लॉग शूट करके आया हूँ और मैं तुरंत यहाँ पर आया हूँ, मतलब एक दिन में 2-2 व्लॉग शूट कर रहा हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा चेहरा डल लग रहा हुआ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पर आप लेक देख सकते हो, आइए मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर है ना लेक है, मुझे पता नहीं इस लेक में बोटिंग अलाउ है कि नहीं, ये फिलहाल अभी तो कोई बोट्स वगैरह मुझे दिखाई नहीं दे रही है तो नहीं होगी, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है बोटिंग अलाउ करें वो लोग, लेकिन पता नहीं, अभी तो खाली पड़ा है और काफ़ी सुंदर दिख रहा है। आप एक बार ज़रूर आइए वंडर पार्क में, मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों को लेकर आना, बहुत इन्जॉयमेंट करने वाले वो लोग। तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो है इन्जॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, देखे और बहुत अच्छा गार्डन यहाँ पर बनाया गया है, आराम से आप बैठ सकते हो पूरे गार्डन में खूबसूरत सा, और बच्चे देखिए यहाँ पे कैसे खेल रहे हैं। ये चढ़ने वाला है और आई थिंक सो ये है ना रोप है मतलब रस्सी है, तो मजबूत वाली रस्सी बनाई गई है, और बच्चे ऊपर पूरे चढ़ गए हैं यार, उतरेंगे कैसे, इतने सारे लोग चढ़ गए लोग। यहाँ से हम जैसे अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा प्यारा सा बैठने के लिए बनाया गया है, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर है ना आप बैठ सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा है वो लेक में, देखिए किस तरह से पूरा बत्तख का गैंग जा रहा है और यहीं आ रहा है अपनी। तो यहाँ है ना एक फाउंटेन इस साइड भी है, एक फाउंटेन इस साइड भी है, लेकिन ये फाउंटेन जो है वो शाम के वक्त ही चालू करते हैं ये लोग, और इस साइड से उस पर जाने के लिए ये प्यारा सा जो है पुल बनाया गया, आप देख सकते हो, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी बनाया गया है, दोपहर में अगर धूप वगैरह लगती है तो आप, अगर आपका बच्चा खेल रहा है तो आप आराम से बैठ सकते हो, मतलब मॉम डैड की लोग के लिए यहाँ पर वो आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पहले भी था, यहाँ पर अभी भी है, ये यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल सारे बनाए गए हैं, जब हम RTO में जाते हैं ना टेस्ट ड्राइव करने के लिए तो यहाँ पर वहाँ पर यही सेम नज़ारा होता है। तो हालांकि मुझे मालूम है यहाँ पर कोई व्हीकल्स जो है नहीं चल पाएंगे, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट जो इन्होंने बनाया है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, देख रहे हो भाई साहब, कोई देख के बोलेगा ये टॉयलेट है, मतलब शौचालय, क्या खूबसूरत बनाया है यार, क्या खूबसूरत बनाया है, देख रहे हो, मज़ेदार एकदम। अब मैं आपको अंदर तो नहीं लेके आऊँगा, लेकिन बाहर से आप देख लो, मैं जाके अंदर से देख के आता हूँ। सो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो हे गाइस, मैं हूँ कन्हैया मुंबई से, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ढेर सारे एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स, जैसे वाटर पार्क हो गए या फिर बहुत सारे एंटरटेनिंग वीडियोज़। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको और भी मेरी वीडियोज़ देखने का मन करे तो बहुत सारे वाटर पार्क्स के एंजॉयमेंट वाले व्लॉग्स जो है मैंने बना कर रख दिए हैं, इमेजिका, वेट एंजॉय, वाटर किंगडम या बहुत सारे वाटर पार्क के, तो आप जाकर वहाँ पर मेरे वेट एंजॉय या वाटर पार्क के भी वीडियोज़ देख सकते हो। तो इसी तरह से ये ट्रेन जो है पूरा राउंड मरवाती है पार्क में, 25 रुपये आई थिंक इस ट्रेन का भी लगता है, तो सारे राइड्स और टॉय जो है वो 25 रुपीज़ से ही चालू होते हैं। और मैं आपको इस ट्रेन का आगे से नज़ारा दिखाता हूँ, और कुछ इस तरह से इसकी पटरियाँ हैं, ये देखिए यहाँ पे भाई साहब, अभी जो ट्रेन गई उसका ये प्लेटफॉर्म है, ये देखिए कितना प्यारा प्लेटफॉर्म है यार, सीरियसली, और वहाँ पर लिटरली देखो बैठने के लिए बनाया भी है, और ये देखिए ये प्लेटफॉर्म, तो ये देख रहे हो ये इतना प्यारा प्लेटफॉर्म, यहाँ पर एक सीट लगी है बैठने के लिए, और यहाँ से ट्रेन जब गुजरेगी तो मज़ा ही आएगा देखने में, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, मैं वरना वेट कर लेता, लेकिन चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले अंधेरा हो। तो ये वो स्लाइड है जिस पर बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वो कार है ना जो एक दूसरे को टक्कर मारती है कार, लेकिन फिलहाल अभी वो राइड जो है बंद है, आइए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसे दिखता है। और यहाँ पर एक फाउंटेन है जो कि चालू है, और बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये फाउंटेन देखने में,
और आसपास के नज़ारे देखिए। तो फाउंटेन शो आई थिंक सो चालू होने वाला है और यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो है ना फाउंटेन, इसके आप नज़दीक खड़े रहोगे तो ये पानी आपके ऊपर बहुत ज़ोरों की फेंकता है, तो वो भी एक अलग अपना एडवेंचर है। ठीक है, शुरू करें? नहीं, एक लाइक करना पड़ेगा आपको और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए देखिए दोपहर से लेकर शाम हो गई है, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आपको एक लाइक का बटन दबाना है यार, दबा दो फटाफट। और स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए, वाओ, ये देखिए। और फाउंटेन शो का मज़ा अगर आपको लेना है तो इसके ऊपर आराम से आप बैठ के इन्जॉयमेंट ले सकते हैं। देखिए कितना बड़ा है, कितना चौड़ा। तो शाम हो चुकी है और नज़ारा देखिए ऊपर से कैसा दिखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक लेक बनाया गया है बट पानी अभी तक इसमें नहीं डाला है, और कुछ इस तरह का नज़ारा देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए फूड कोर्ट है, अगर आप कुछ खाना चाहते हो तो फूड कोर्ट में जो है वहाँ पर जाके खा सकते हो। फाउंटेन जो है वो चालू हो चुका है और क्या बेहतरीन दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये देखिए। फाउंटेन शो जो है वो इतना बेहतरीन है कि फाउंटेन शो के ऊपर लाइटिंग करके शिवाजी महाराज जी के बारे में बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई जाती है, जिसे हम बच्चों को और पेरेंट्स को जिन्हें नहीं पता है उन्हें भी बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो बहुत ही अच्छी प्रतिमा जो है स्क्रीनिंग जो है वो वाटर के ऊपर दिखाई जा रही थी, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जिसे वेद पुराण और धर्म संचार का माँ जीजाबाई ने ज्ञान दिया, जबकि दादू जी ने रण कौशल का विज्ञान दिया। तो मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं चाहूँगा यही कि आप स्वयं वहाँ पर जाइए और आप वहाँ पर देखिए कि कितनी बेहतरीन तरीके से वंडर पार्क को बनाया गया है। मैं अपनी वीडियो में बस आपको इतना ही दिखाना चाहूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कुछ थोड़ी सी और नज़ारे आप देखिए फिर चलते हैं। पब्लिक देखिए कितनी भरपूर है, पब्लिक देखिए, यहाँ पर सारी पब्लिक जो है बैठ के देख रही थी और काफ़ी अच्छा शो था, पूरे मेले जैसा माहौल जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पर कितने सारे बलून्स वगैरह और वो बुढ़िया के बाल जो है वो खरीद रहे, खा रहे हैं, मज़ा आ गया देखे भाई, मेरा तो दिन बन गया, इतने साल की मेहनत मेरी कबूल हुई। तो फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल वंडर पार्क, बहुत अच्छा लगा अंदर जाके, उम्मीद करूँगा आपने भी इन्जॉयमेंट की होगी। और ऐसे ही ढेर सारे अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो अब आप कहीं भी यूट्यूब खोलोगे ना कहीं मैं आपको मिल ही जाऊँगा, तो इससे बेहतर आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए। ऐसे ही ढेर सारी अच्छे अच्छे कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल पर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो जो है पड़ी है, ये वीडियो देखने के बाद आप जाकर देख सकते हो। तो ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, किसी नए कॉन्टेंट में, किसी नए स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए रखिएगा ख्याल, टेक केयर, टाटा बाय बाय।